हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस गर्मी की सीज़न में हमें ठंडक देने के लिए आज मैं कुछ ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ चोकोबार आइसक्रीम। आज मैं इसे व्हिप क्रीम से बनाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से चोकोबार आइसक्रीम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चोकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है चिल्ड व्हिप क्रीम, तो ये आधा कप है। तो क्रीम एकदम ठंडी और बिना आइस क्रिस्टल वाली होनी चाहिए। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक बीटर से लो स्पीड पर 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। तो 2 मिनट बाद क्रीम थोड़ी सी फूल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप पाउडर शुगर ऐड की है। क्रीम ऑलरेडी स्वीट है, इसलिए थोड़ी सी ही ऐड करेंगे। तो फिर से हम इसे बीट करेंगे। अब इसे हम हाई स्पीड पर स्टिफ पीक आने तक बीट करेंगे। सात आठ मिनट बाद क्रीम एकदम व्हिप हो चुकी है। चोकोबार आइसक्रीम में फिलिंग वेनिला फ्लेवर की होती है, इसलिए यहाँ पर हम आधी छोटी चम्मच वेनिला एसेंस डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/3 कप मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर आप डेरी वाइटनर या फिर मिल्क पाउडर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। डेरी वाइटनर थोड़ा सा स्वीट होता है। अब इसमें हम डालेंगे ठंडा मिल्क। तो यहाँ पर 1/2 कप मिल्क लेना है। ध्यान रखें फुल क्रीम मिल्क ही यूज़ करना है। अब इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्रीम मिल्क और पाउडर अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो ये हमारा सिंपल सा वनीला फ्लेवर का आइसक्रीम रेडी हो चुका है। तब यहाँ पर इसमें से हम कुल्फी बनाने वाले हैं। तो इस मिक्सचर को हमें कुल्फी मोल्ड्स में डालना है। सारे मोल्ड में इस मिक्सचर को फिल कर दिया है। एक बार इसे टैप कर देंगे। तब इसमें हम लीड लगा देंगे और साथ में कुल्फी स्टिक। वुडन स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। अब इसे रेफ्रिजरेटर में हमें इसे सेट करने के लिए ओवरनाइट रख देना है, या फिर 7 से 8 घंटे के लिए इसे रख देंगे सेट होने के लिए। आउटर लेयर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मिल्क कंपाउंड और 50 ग्राम डार्क कंपाउंड ली है। आप सिर्फ मिल्क कंपाउंड भी ले सकते हैं। तो इसे हमें मेल्ट कर लेना है। डबल बॉयलर या फिर माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमें कुल्फी सेट हो जाने के बाद करनी है। तो यहाँ पर मेल्टेड चॉकलेट को मैं ग्लास में फिल कर लूँगी। अब आइसक्रीम भी सेट हो चुकी है। इस आइसक्रीम को हमें पानी के अंदर रखना है ताकि इजीली कुल्फी अनमोल हो जाए। तो कुल्फी को हमें ट्विस्ट करते हुए अनमोल करना है। थोड़ी देर के लिए पानी में रखा है, इसलिए ये इजीली अनमोल हो जाती है। कुल्फी को तुरंत ही हमें चॉकलेट में डिप करना है। और सेकंड मेथड में आप चॉकलेट को कुल्फी के ऊपर डाल सकते हैं। आप जो चाहे इस तरह से इस चोकोबार आइसक्रीम को बना सकते हैं। तो रेडी है हमारी चोकोबार आइसक्रीम। आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। साथ में मेरी चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।